लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी ने हाल ही में क्रिकेट रूल्स में कुछ बदलाव किए थे। 28 सितंबर से लागू हुए इन बदलावों का असर अब क्रिकेट के मैदान पर भी दिखने लगा है। इसका सबसे पहला शिकार एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बना है, जिसने वहां डोमेस्टिक मैच के दौरान फेक फील्डिंग करते हुए बैट्समैन को डराने की कोशिश की, जिसके बाद उस टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगा दी गई। ये इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में हो रहे जेएलटी वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान क्वींसलैंड बुल्स और सीए-XI की टीम के बीच खेले गए मैच में दिखा। इस मैच में क्वींसलैंड बुल्स की टीम के फील्डर मारनस लेब्यूशेन को नए नियमों के तहत गलत आचरण करने का दोषी पाया गया। मैच के दौरान सीए-XI टीम के बैट्समैन परम उपल ने मिड ऑफ की ओर एक शॉट खेला, जहां करीब ही मारनस फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने डाइव लगाकर बॉल को रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके पास से निकल गई। मारनस बॉल को नहीं पकड़ सके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने झूठी फील्डिंग करते हुए थ्रो फेंकने का नाटक किया, जिससे दोनों बैट्समैन घबराते हुए क्रीज के अंदर चले गए। हालांकि असलियत में मारनस के पास बॉल थी ही नहीं। बाद में बॉल को पीछे लॉन्ग ऑन की ओर जाते देखकर दोनों बैट्समैन ने तेजी से 1 रन पूरा कर लिया। इसके बाद मारनस ने अंपायर्स की ओर देखते हुए अपने हाथ ऊपर उठाते हुए गलती के लिए सॉरी भी कहा, लेकिन नए बदलावों को देखते हुए अंपायर्स ने आपस में बात करने के बाद फील्डिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगा दी और बैटिंग टीम को वे रन दे दिए। इस मैच में सीए-XI की टीम ने क्वींसलैंड की टीम को जीत के लिए 280 रन का टारगेट दिया था, जिसके बाद क्वींसलैंड की टीम ने मारनस के 61 रन की बदौलत ये मैच जीत लिया। नए नियमों के तहत कोई फील्डर जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे बैट्समैन का ध्यान भंग होता हो और जो उसे रन लेने से रोकता है।